उत्तर प्रदेश के जिला जालौन में कैलिया थाना में समाधान दिवस मनाया गया। 5 शिकायतें राजस्व आई 3 का निस्तारण किया गया। वहीं उप जिलाधिकारी अशोक कुमार द्वारा पराली को लेकर किसानों के साथ मीटिंग भी की गई। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी के खेत में कोई आग लगाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसको लेकर किसानों ने नाराजगी जताई। नायब तहसीलदार संजय सिंह, सब इंस्पेक्टर शिवकरण वर्मा, राकेश यादव व कई किसान मौजूद रहे। जालौन से हरिओम बुधौलिया की रिपोर्ट, एस कैच न्यूज।26 अगस्त 2020 का संदर्भ करने, जिसके माध्यम से खरीफ 2020 की कटाई के दौरान पराली प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए पराली जलाने को पूरी तरह रोकने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए थे। अवगत ही है कि पराली जलाने को रोकने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कड़े निर्देश दिए गए हैं। इसका अनुसरण भी माननीय न्यायालय द्वारा किया जा रहा है। इसी तरह एनजीटी द्वारा भी अनुसरण किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गत वर्ष दिनांक 6 नवम्बर 2019 को सुनवाई के दौरान विस्तृत निर्देश दिए गए थे। उसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि रोका जाना है और इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाए। अवशेष के जलाने की 33 घटनाओं की सूचना मिली है। इसकी जिलेवार सूची संलग्न है। अगर ये सारी घटनाएं धान अथवा गन्ना के अवशेष को जलाने से संबंधित हैं, तो यह निश्चित रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है और गंभीर विषय है। आपसे अपेक्षा है कि अविलंब इस संबंध में मौके पर राजस्व कृषि पुलिस विभाग की टीम को भेजते हुए इसका स्थलीय निरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित करें और इसकी विस्तृत आख्या प्रस्तुत करें। स्थलीय निरीक्षण में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए। क्या सूचित अवशेष जलाने की घटनाएं पराली जलाने की थी अथवा अन्य अवशेष? अगर ये पराली जलाने से संबंधित थी तो संबंधित उत्तरदायी व्यक्तियों के खिलाफ प्रचलित कानून के गांव में पर्याप्त संख्या में पराली प्रबंधन के लिए मशीन थी अथवा नहीं, और अगर थी तो फिर उनका उपयोग संबंधित कृषक द्वारा क्यों नहीं किया गया? यह सुनिश्चित किया जाए कि केंद्र पोषित योजना इन सीटू में पर्याप्त संख्या में पराली प्रबंधन के यंत्रों का तत्काल प्रबंध कर दिया जाए। संबंधित गांव में कृपया अविलंब अस्तोचारी और अपर मुख्य सचिव कृषि के ईमेल आईडी इतने पर भेजा जाना सुनिश्चित करें। आपको पुनः से कहता है कि अगर पराली जलाने की घटनाओं का पूर्ण उत्तरदायित्व जिला प्रशासन का होगा, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्त होने पर इसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। अतः आप ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें कि पराली जलाने की घटना न हो और इस हेतु प्रचार प्रसार प्रवर्तन कार्रवाई तथा पराली प्रबंधन हेतु कृषि यंत्रों को अधिक से अधिक उपयोग की रणनीति को कारगर रूप से क्रियान्वित करना सुनिश्चित करें। यह है मुख्य सचिव।